आओ लिखना है लिखे। क्या? एक दो तीन, एक दो तीन लिखना भी है, ठीक है। तो एक लिखना है, अब पहले चित्र में देखो, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिभुज बनाइए जो संख्या में एक है। क्या है? एक है। और नीचे एक लिखना भी है, तो जिस जो संख्या में एक है उनके पास हमें त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज। त्रिभुज जो संख्या में क्या है? एक है। तो इसमें संख्या में जैसे चिड़िया एक थी तो त्रिभुज बना है, तो और संख्या में एक क्या है जहाँ पर हम त्रिभुज बनाए? ठीक है, क्या है एक बताओ? यहाँ पर ये सूरज एक है। कितना सूरज सूरज है? एक। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज बना दिया, बना दिया ना त्रिभुज। हाँ। और क्या एक है? और कुछ एक है बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हैं? ये तो तमाम पेड़ हैं, घर तीन है, ये वाला पेड़ एक है ना, दिख रहा है यहाँ पर हरा हरा ज्यादा। चलो एक लगा बना दे त्रिभुज। अब देखो एक लिखना भी है। एक देखो कैसे लिखते हैं, पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे लाएंगे, फिर नीचे हम क्या कर देंगे, ऐसे लिख लोगे इसको, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, एक लिख लोगे। देखो एक है ये, ऐसे लिखना है, ऐसे लाओ, फिर इसको ऐसे लाओ, और फिर ऐसे ऐसे एक लिखा करो। समझ गए? लिख लेते हो, जो नहीं लिख पाते हो देखें, ऐसे करो ऐसे करो। और हम ऐसे बनाते हैं तुम लोग को जब कॉपी पे काम देते हैं ना, बोर्ड पे भी ऐसे लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते हैं, लेकिन तुम लोग बहुत बड़ा बड़ा डंडा निकाल देते हो। ऐसे एक तुम्हारा क्या हो गया, लिख गया। अगला सवाल देखो, ऊपर दिए गए चित्र में वस्तुओं के पास गोल बनाइए। क्या बनाना है? गोल, जो संख्या में क्या है? दो है। जो है? दो है। और नीचे दो लिखना है, जो संख्या में दो क्या है उनके पास? गोल बनाना है। तो दूसरा कलर लेते हैं, तो संख्या में दो क्या है? देखो ये दो हैं, हाँ। गोल बना दिया हैं। और दो दो मछली तो तीन है, मछली तो तीन है, नाव दो है, क्या है? नाव दो। एक ये नाव हो गई और एक ये नाव हो गई, दो है ना, हाँ। गोल बना दिया, ठीक है। ये देखो फूल दो हैं, ये वाले, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। कमल है, तीन कमल है, ये दो एक दो तीन, कमल तो तीन है। अब दो बन गए, अब दो यहाँ लिखना है, ठीक है। अब दो लिखोगे कैसे? तो देखो पहले इसको गोल करो, फिर गोल करके ऐसे लाओ, फिर ऐसे कर दो, हैं? इसको अंग्रेजी में टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू है ये, क्या है? टू। वन उसके बाद टू आया, क्या आया? टू। हिंदी में दो लिख कहते हैं इसको, टू। अब ऐसे बना लोगे तुम टू? ऐसे ही बनाओगे, गड़बड़ तो नहीं बनाओगे? हैं खुशबू, समझ में आया? और तुमको हाँ हाँ समझ में आया, हैं? हाँ हाँ समझ में आया। चलो आगे देखो, अच्छा बाद में शिकायत करना, अभी पढ़ लो, ठीक है। अब देखो ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास चौकोर खाना बनाना है। क्या बनाना है? चौकोर बनाइए जो संख्या में तीन है, और नीचे तीन लिखना भी है। और संख्या में जो तीन है, तीन क्या है? कमल देखो है, तीन कमल, तीन है, कमल तीन, कमल क्या है? तीन। तो इनके आगे क्या बनाना है? चौकोर, 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 तीन है, ठीक है। और मछलियां भी तीन है, हाँ, तो इनको भी बना देते हैं, तीन है। और ये देखो घर भी तीन है, हाँ, ये जो झोपड़ियां बनी है तीन है कि नहीं है, हाँ, है कि नहीं? तीन सजी है, बन गया तीन, हाँ। ठीक है, अब तीन लिखना है हमें। तीन लिखने के लिए देखो ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे तीन हो गया, देखो लिख गया। ऐसे ऐसे लिख लोगे अब तीन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तीन। थ्री। थ्री। हिंदी में तीन, अंग्रेजी में थ्री। थ्री, थ्री की स्पेलिंग याद है? बताओ टू थ्री स्पेलिंग, फोर फाइव, ये बन गया हमारा, क्या बन गया? थ्री। अब बना लोगे थ्री? थ्री की स्पेलिंग होती है टी एच आर ई ई, थ्री, ठीक है। तो थ्री हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, यहाँ देखना है, क्या करना है? यहाँ देखना है ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के सामने तुम्हें त्रिभुज बनाना है जो संख्या में चार है। क्या है? संख्या में चार है, त्रिभुज बनाना है। क्या है चार? हाथी चार है, हाथी चार है, तो इनके सबके साथ त्रिभुज बना देते हैं इनके ऊपर, ऐसे तुम्हारा हम बना देते हैं क्या,
त्रिभुज बना दिया। ठीक है, और क्या चार हैं? ये कठपुतलियाँ चार हैं, हैं? हाँ। तो इनके ऊपर हम क्या बना दें? त्रिभुज। त्रिभुज बना दें। और बताओ क्या चार हैं? एक दो तीन चार पाँच। और चार कुछ मिल रहा है? ये देखो, ये गुब्बारा है, गुब्बारा चार नहीं है, ज्यादा है ना। ये मंदिर चार हैं, कितने हैं? चार। एक दो तीन चार, मंदिर कितने हैं? एक दो तीन चार। तो इसमें भी हम बना देते हैं त्रिभुज मंदिरों के ऊपर। बना दिया, ठीक है। अब चार लिखना भी है, कैसे लिखोगे चार? तो चार लिखने के लिए ऐसे करो, ऐसे करो, और फिर ऐसे कर दो, ऐसे करो, ऐसे करो। इसको अंग्रेजी में फोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर। क्या बोलते हैं? फोर। क्या बोलते हैं? फोर। फोर बोलते हैं। लिख गया फोर? हाँ। तो ऐसे फोर लिखोगे, ठीक है। ऐसे हम तुमको काम देते हैं तब बनाते भी ऐसे ही हैं फोर, ठीक है। तुम लोग सही से नहीं लिखते हो, लिखना सीख जाओ। फोर बन गया। अब देखो ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास गोल बनाना है, ठीक है। जो संख्या में पाँच हैं, कितनी हैं? पाँच हैं। और नीचे फिर पाँच को हमें क्या करना है? लिखना भी है। तो इसमें पाँच क्या है तुम्हारे? देखो ये घोड़े हैं, पाँच, दो तीन चार पाँच, पाँच घोड़े कितने हैं? पाँच। पाँच तो गोल करना था ना, पाँच कर दिया। और पाँच क्या है तुम्हारे? ये पांच लड़के बैठे हैं, हाँ, ये गोल कर दिया, ठीक है। हाँ। और पांच क्या है तुम्हारे? एक दो तीन चार पाँच, दो चार, गुब्बारे छह हैं, बैलून छह हैं ना। एक दो तीन चार छह, इधर एक दो तीन चार, चार चार पाँच। और कुछ दिख रहा है? पाँच मटके भी तीन हैं, मटके तीन ही हैं, ठीक है। तो पांच हो गए ना, एक दो तीन चार नहीं है, चलो पांच हो गए, चलो ठीक है, बाद में ढूंढेंगे। हैं पांच लिखना है, अब क्या करना है? तो फाइव ऐसे ऐसे और ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे फाइव। इसी को पांच कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदी में पांच, हाँ अंग्रेजी में फाइव, ठीक है। ऐसे बना लोगे? हाँ। हाँ? अब घर में बनाओगे? अभी काम देंगे कर लोगे? ये फाइव है, क्या है ये? फाइव। ऐसे बनाया जाता है फाइव, अंग्रेजी में फाइव बोलते हैं, हिंदी में पांच। फाइव की स्पेलिंग क्या होती है? एफ आई वी ई, फाइव पांच। फोर की स्पेलिंग क्या होती है? एफ ओ यू आर, स्पेलिंग भी याद रखना है। आगे है तुम्हारा, ठीक है, क्या है? ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है? चतुर्भुज। जो संख्या में छः हैं, कितने हैं? छः हैं। फिर छः, अब छः कौन है? देखो हमने देखा था बैलून छः हैं, हाँ बैलून क्या है हमारे? छः। छः हैं बैलून, कितने हैं? छः। चतुर्भुज बना दिया। और क्या छः हैं? हाँ ये भी छः हैं, ये फूल तुम्हारे छः हैं। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छः है ना। तो इनके आगे भी हमें क्या बनाना है? चतुर्भुज। क्या बनाना है? चतुर्भुज। ये सब छः हैं, क्या है ये? छः हैं। और कुछ छः हैं? देखो और कुछ बचा है? छः जहाँ वो, एक दो तीन चार पाँच छः, ये कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, ये आदमी छः हैं, क्या हैं ये सब? इधर उधर बैठे हैं सब, छः हैं ना। और कहीं कुछ है? और नहीं है ना। अब छः लिख देते हैं, ठीक है। छः लिखोगे कैसे? देखो इस हाथ में पांच उंगली दिखाई गई हैं, हाँ ना। इस हाथ में कितनी उंगली दिखाई? पांच उंगली, और ये एक मिला के छः हो गया। छः को अंग्रेजी में सिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिक्स। अब सिक्स लिखना कैसे है? इसको ऐसे लिख देना है, घुमा के ला के ऐसे बना देना है, ऐसे ला के ऐसे सिक्स, ये छः बन गया। क्या बन गया? छः बन गया। क्या बन गया ये? छः।
हैं? इधर देखो पहले, बाद में टॉफी खाओ। छः बन गया, क्या बन गया? छः। मन यही होना चाहिए, शरीर तो है, मन को यही रखोगे तभी समझ में आएगा। छः, ऐसे ही हमें छः बनाना है। सिक्स क्या है ये? सिक्स क्या है ये? सिक्स क्या है? सिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? छः। तो अंग्रेजी क्या होती है? एक्स आई एक्स, एस आई एक्स, सिक्स एस आई एक्स, सिक्स इसकी स्पेलिंग है, याद रखना ठीक है। और भी आगे है देखो, अब हम सात पे पहुँचे। कहाँ पहुँचे? सात पे। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिभुज बनाइए जो संख्या में क्या है? सात है। क्या है? और नीचे सात है लिखना है। तो देखो सात क्या है? ये तारे हमारे कितने हैं? सात हैं। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो इनके साथ क्या बनाना है? त्रिभुज। क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है। ये ट्रायंगल अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल बना दिया, त्रिभुज बना दिया, क्योंकि संख्या में क्या थी? ये चतुर्भुज बन गया, त्रिभुज। क्या हो गया? त्रिभुज बन गया। अब सात लिख देते हैं इधर। सेवन देखो पहले, ऐसे करो फिर ऐसे। हाथ में दिखाना हो तो एक हाथ की पांच उंगलियां दिखा दो, दूसरे हाथ की दो दिखा दो, सात हमारा हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाए, नहीं हो जाएगा? सात ऐसे हमारा लिख जाएगा। एक हाथ की पांच उंगलियां दिखा दो, क्या दिखा दो? पांच उंगलियां दिखा दो, एक हाथ की दो दिखा दो, तो सात हो गया। अब सात लिखना है, लिख दे। फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप, सात लिख गया, लिख गया। ऐसे सात हमारा क्या हो जाता है? बन जाता है, लिख जाता है। सात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेवन। सेवन क्या बोलते हैं? सेवन। क्या बोलते हैं? सेवन। लिख गया सात, और मोटा लिखते हैं। देखो ऐसे सात लिख गया। सेवन की स्पेलिंग क्या होती है? एस ई वी ई एन, सेवन। सेवन माने सात होता है। क्या होता है? आगे फिर देखो, उन वस्तुओं के आगे गोल बनाना है। क्या बनाना है? गोल। जो संख्या में आठ है, क्या है? आठ। आठ क्या है? देखो यहाँ पर आठ क्या है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। जो ये पेड़ हरे हरे दिख रहे हैं ये कितने हैं? आठ हैं। ठीक है, इनके आगे हमें गोल, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, आठ हो गया। आठ हैं, हाँ। ऐसे गिनना सीख जाओगे। अब आठ लिखना भी है, क्या करना है? लिखना भी है। लिखोगे कैसे? तो ऐसे स्टेप चलेगा, एक गोल हो गया, दूसरा वाला भी चलेगा। हो गया, हाँ समझ गए ना? या तो यहाँ से ऐसे लेकर, ऐसे लेकर, ऐसे करके आठ बन जाता है। ठीक है, एक हाथ की पांच उंगलियां, एक हाथ की तीन उंगलियां, तीन पांच तीन आठ, फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट। ठीक है, तो लिखना कैसे है देखो, बता रहे हैं इसको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे यहाँ से शुरू करो, हिलाओ नहीं, ऐसे। ठीक है, यहाँ से शुरू करो, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे शुरू करो, ऐसे करके बन गया आठ। क्या हो गया ये? बन गया आठ। अभी कॉपी बनाना है, नौ तक गिनती तुम्हें लिखना है। ठीक है, एक से नौ तक, वन टू नाइन। देखो बन गया एट। अंग्रेजी में आठ को ही एट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट की स्पेलिंग ई। क्या होता है? ई आई जी एच टी एट। एट माने आठ। क्या है ये? आठ। अब नौ, अब किसे पहुंच गए? नौ दिया है, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास चौकोर निशान बनाओ जो संख्या में कितनी है? नौ। क्या है? नौ। तो देखो नौ यहाँ पर क्या है? ये घर। हाँ देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो क्या बनाना है? चौकोर बनाना है, चौकोर। तो चौकोर सब घरों के आगे, तो ऐसे चौकोर को बना देना अपनी कॉपी में। ठीक है, बना दो सभी में चौकोर, नौ हो जाएगा। अब नौ लिखना देखो, लिखने के लिए नौ ऐसे हम करेंगे, ऐसे नौ हमारा बन लिख जाएगा। तो दिखने के लिए देखो, एक हाथ की पांच उंगलियां, एक हाथ की चार उंगलियां निकालो तो तुम्हारा नौ हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? एक हाथ में फाइव,
एक हाथ में फोन निकालिए तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? नाइन। क्या बन जाएगा? नाइन। अब नाइन लिखने के लिए देखो, नौ आपको ऐसे बनाना है। क्या बनाना है? ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा नौ। ऐसे ही नौ लिखना, ठीक है? ये क्या है तुम्हारा? नौ। क्या है तुम्हारा? नौ। नौ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नाइन। क्या बोलते हैं? नाइन। ऐसे करके ऐसे ले आओ, नाइन बन जाएगा, ठीक है? ऐसे करो और ऐसे ले आओ, बन गया नाइन। नाइन क्या है? ये वन नहीं है, वन तुमको बताया है कैसे बनता है, ठीक है? वन ऐसे बनता है ना, नाइन। नाइन की स्पेलिंग अगर लिखना चाहो तो एन आई एन ई नाइन। नाइन माने क्या होता है? नौ। क्या होता है? नौ। तो हम आज तक नौ तक गिनती सीख ली अच्छे से। क्या कर लिया? सीख लिए। ऐसे सीखोगे गिनती? तो हमने पढ़ा वन, पहले पढ़ा क्या पढ़ा हमने? वन। वन क्या पढ़ा हमने? वन। एक। एक कैसे बनाते हैं? ऐसे, ठीक है? इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ओ एन ई वन। वन को ही बोलते हैं एक। दूसरा पढ़ा हमने टू, ऐसे लिखते हैं टू। क्या लिखते हैं? टू। देखो एक टू फिंगर्स है ना, टू, जिसको हम दो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो। दो को अंग्रेजी में बोलते हैं टी डब्ल्यू ओ टू। क्या हो गया? टू। टू को ही दो बोलते हैं। अगला हमने पढ़ा थ्री। क्या पढ़ा हमने? थ्री। थ्री लिखते हैं ऐसे। क्या करते हैं? जैसे देखो थ्री फिंगर है, कितने फिंगर है? थ्री फिंगर है। थ्री को हिंदी में तीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीन। थ्री की स्पेलिंग क्या होती है? टी एच आर ई ई थ्री, ठीक है? फिर हमने पढ़ा फोर। क्या पढ़ा हमने? फोर। फोर को कैसे लिखते हैं? ऐसे फोर लिख गया। देखो इस फिंगर कितनी है? वन टू थ्री फोर। फोर मतलब चार। फोर मतलब चार। फोर की स्पेलिंग अंग्रेजी में देखें एफ ओ यू आर फोर, ठीक है? अगला पढ़ा हमने फाइव। क्या पढ़ा? फाइव। जैसे फाइव इस पंजे में देखो फाइव फिंगर है ना, पंजा है फाइव। वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव लिखते कैसे हैं? ऐसे, ठीक है? फाइव की स्पेलिंग देखोगे तो एफ आई वी ई फाइव। फाइव माने पाँच, ठीक है? अगला पढ़ा हमने सिक्स। क्या पढ़ा? सिक्स। छः। एक हाथ में पांच उंगली, एक हाथ में एक उंगली मिलाओगे तो वो क्या हो जाएंगी? फाइव प्लस वन जुड़ के कितना हो जाएगा? छः, ठीक है? छः उसी को सिक्स बोलते हैं, ठीक है? सिक्स की स्पेलिंग पढ़ेंगे तो एस एस आई आई एक्स सिक्स। लिखते कैसे हैं? ऐसे घुमा, ठीक है? फिर हमने पढ़ा सेवन। क्या पढ़ा हमने इसमें? सेवन। चित्र सेवन को हिंदी में बोलते हैं सात। क्या बोलते हैं? सात। सात लिखते कैसे हैं? ऐसे, ठीक है? एक हाथ की पांच उंगलियां ले लो, एक हाथ की दो उंगलियां ले लो, फाइव प्लस टू ऐड करोगे कितना हो जाएगा? सेवन। सेवन की स्पेलिंग पढ़ोगे एस ई वी ई एन सेवन। अगला पढ़ा हमने आठ। क्या पढ़ा? आठ। आठ आठ मतलब एट। आठ मतलब आठ। एक हाथ की फाइव फिंगर्स ले लो, एक हाथ की थ्री फिंगर्स ले लो, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? एट। एट को ऐसे ही लिखते हैं आठ को, ठीक है? आठ की स्पेलिंग लिखेंगे तो ई आई जी एच टी, एट हो गया, ठीक है? फिर हमने पढ़ा आज नाइन। क्या पढ़ा? नाइन। इसको बोलते हैं नौ। क्या बोलते हैं? नो। एक हाथ की पूरी पांचों लो, दूसरी हाथ की चार फिंगर्स लो, फाइव और फोर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? नाइन। नाइन को लिखने का ढंग क्या है? ये, ठीक है? ऐसे करके हम नाइन लिख देते हैं। ऐसे करके हम नाइन लिख देते हैं। ऐसे करो, नाइन हमारा क्या हो गया? बन गया। ऐसे करो, ऐसे ले आओ, नाइन हमारा लिख गया। नाइन की स्पेलिंग एन आई एन ई नाइन। नाइन क्या होता है? नौ, ठीक है? तो आज हम नौ तक गिनती सीख लिए ना, सीख लिया ना? इसको फिर मिला के हम मिलाएंगे इसको बाद में।